हे गाइस, वेलकम टू द आरए ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। प्रीवियस वीडियो बुक में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन और वेव ऑप्टिक्स के ही एक फिनोमिना न्यूटन सिंह को थोरोली पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के थ्रू भी हम लोग कई फिनोमिनास को क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे इस इंटरफेरोमीटर या इस एपरेटस को यूज करके हम लोग वेवलेंथ के बारे में भी पता कर सकते हैं कि जो लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर बेसिकली हमारे पास में इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसमें हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज किया जाता है जिसको हम लोग किसी एक कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर प्लेस करते हैं। इसके सामने एक बीम स्प्लिटर यूज किया जाता है। बीम स्प्लिटर बेसिकली हमारे पास में सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट होती है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट जिसका एक सरफेस सेमी सिल्वर्ड होता है, मतलब कि हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं अर्धरजित। इसका मीनिंग ये है कि इसको सरफेस को इस तरह से तैयार किया जाता है कि जब इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाया जाए तो उसका 50% पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाए और 50% पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे न्यूटन सिंह में भी हम लोगों ने 45 डिग्री एंगल पर एक ग्लास प्लेट को रखा था, वो भी हमारे पास में एक तरह से बीम स्प्लिटर ही था। बीम स्प्लिटर के अलावा यहाँ पर हमारे पास में दो मिरर्स यूज होते हैं। एक प्लेन मिरर यूज होता है जो कि फिक्स पोजिशन पर रहता है, जिसको हम लोग मूवमेंट नहीं दे सकते। दूसरा एक प्लेन मिरर मूवेबल होता है जिसको हम लोग वर्टिकली इस जगह पर रखते हैं जो कि बिल्कुल इसके वर्टिकल पोजीशन पर सामने की तरफ होगा। और लास्ट वन इज एक टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से हम लोग पूरे जो फिनोमिना है उसमें जो फ्रिंजेस नजर आती है उसको टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। तो इसकी वॉकिंग स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमारे पास में इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार होता है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट वेव्स निकलती है। क्योंकि ये लेंस के फोकस पर प्लेस होता है इसलिए लेंस में से लाइट के पास होने के बाद में ये लाइट वेव बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। मैं यहाँ पर इन दो लाइट वेव्स को यूज नहीं कर रहा हूँ जिससे कि आपको फिनोमिना बिल्कुल क्लियर नजर आए। जब ये लाइट वेव हमारे पास में बीम स्प्लिटर पर इंसिडेंट होते हैं तो रेयर टू डेंसर मीडियम में जाने की वजह से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और सेमी सिल्वर्ड सरफेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेमी सिल्वर्ड सरफेस है और इस पर लाइट का 50% पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और 50% पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लाइट वेव की वेवलेंथ बिल्कुल सेम है, लेकिन क्लियरली समझने के लिए यहाँ पर दो अलग अलग रंगों को यूज किया गया, अलग अलग कलर्स को यूज किया गया है। रिफ्रैक्टेड लाइट वेव प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि ये मिरर है, इस पर इसका परावर्तन या रिफ्लेक्शन होगा जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। बिल्कुल इसी के साथ साथ हमारे पास में रिफ्रैक्टेड लाइट वेव जो कि हमारे पास में मिरर से ऊपर की तरफ गई थी, मिरर की तरफ जो कि मूवेबल मिरर है, वो भी हमारे पास में मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद में वापस अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद में ग्रीन कलर की जो लाइट वेव आपको नजर आ रही है ये इस ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट होकर रिफ्रैक्शन शो करेगी, अपवर्तन, और डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी। लेकिन ये अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब अपने ही उसी पाथ पर वापस ट्रेवल करती है। अब ये दोनों लाइट वेव यहां से टेलीस्कोप पर पहुंचती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है इन दोनों को आने में कुछ डिले लगता है। रेड कलर की लाइट वेव जो आपको नजर आ रही है ये थोड़ा सा पहले पहुंचती है और ग्रीन कलर की थोड़ा सा बाद में। इस वजह से इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनना होता है जो कि आपको इस तरह से नजर आना चाहिए था नहीं बनता। उसका रीजन कि इनका फेस तो सेम है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों के पाथ में डिफरेंस आ रहा है। अगर देखा जाए तो रेड कलर की लाइट वेव जहां पर ये जनरेट हुई थी, दिस लाइट वेव जिस जगह पर ये जनरेट हुई थी, तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग इसको जूम करके देखते हैं। अपने ओरिजिन पॉइंट पर जहां से लाइट वेव, रेड कलर की लाइट वेव जनरेट हुई थी और ग्रीन कलर की लाइट वेव ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है, तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो रेड कलर की लाइट वेव एक बार भी ग्लास प्लेट में से ट्रेवल नहीं करती। कि रेड वाली लाइट वेव हमारे पास में ग्लास प्लेट में से एक बार भी ट्रेवल नहीं करती और ग्रीन कलर की लाइट वेव डेंसर मीडियम में दो बार ट्रेवल करने की वजह से कुछ डिले से टेलीस्कोप पर पहुंचती है। इस वजह से इनके बीच में पार्ट डिफरेंस एक जनरेट हो जाता है। इस पार्ट डिफरेंस की वजह से ही हमारे पास में इस तरह की इंटरफेरेंस पैटर्न नजर नहीं आता। अब अगर किसी तरीके से अगर इस रेड कलर की लाइट वेव को भी ग्लास प्लेट में से दो बार पास करवा दिया जाए तो इसका पार्ट डिफरेंस ग्रीन वाली के पार्ट डिफरेंस के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो अब इस पार्ट डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पाथ में कहीं पर भी एक और ग्लास प्लेट जो कि बिल्कुल बीम स्प्लिटर के साइज की हो, एक और ग्लास प्लेट प्लेस कर देते हैं।
कुछ इस तरह से इस चीज को समझेंगे। सेम फिनोमिना हम लोग एक बार दोबारा देखते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, लेंस, बीम स्प्लिटर, प्लेन मिरर, टेलीस्कोप। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट वेव बीम स्प्लिटर पर जब इंसिडेंट होगी तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। रेड कलर की लाइट वेव इस बार एक ग्लास प्लेट में से ट्रेवल करवाएंगे कुछ इस तरीके से, और ये ग्लास प्लेट में से ट्रेवल होने के बाद में मिरर पर इंसिडेंट होगी और अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस यहां पहुंचेगी। इसी ड्यूरेशन में हमारे पास में ग्रीन कलर की लाइट वेव भी बीम स्प्लिटर पर वापस आ जाती है, और कुछ इस तरह से हमारे पास में बीम स्प्लिटर से लाइट जिस ओरिजिन पर जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइट वेव जनरेट हुई थी उसी पॉइंट पर वापस एक ही टाइम पर यहां पहुंचती है और एक साथ रिफ्लेक्ट होते हुए टेलीस्कोप पर इंसिडेंट होती है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास में इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा। यहां अब हमारे पास में बीम स्प्लिटर पर लाइट दो पार्ट्स में डिवाइड होगी और अब आप देखेंगे अपने आप एक ही टाइम पर दोनों लाइट वेव एक ही पॉइंट पर जाकर मीटअप करेगी। इन दोनों का बिल्कुल टाइम सेम होने की वजह से टेलीस्कोप पर बिल्कुल इक्वली ये लाइट वेव पहुंचती है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के थ्रू फ्रिंजेस बनने का फॉर्मेशन हम लोग अब देखेंगे किस तरह से हमारे पास में फ्रिंजेस बनती है। जब M1 और M2 बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास में सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है, और जब ये परपेंडिकुलर नहीं होते तो हमारे पास में हाइपरबॉलिक और लीनियर फ्रिंजेस नजर आती है। तो M1 और M2 के परपेंडिकुलर होने पर ही हमारे पास में सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पार्ट डिफरेंस दो लाइट वेव्स के बीच में वेव शेप्ड एयर फिल्म के लिए जैसा न्यूटन थिंग में आप लोगों ने देखा था डेल्टा शुड बी इक्वल्स टू 2d cos थीटा, ये हमारे पास में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला डिराइव होता है। लेकिन क्योंकि यहां पर लाइट वेव एक बार ग्लास प्लेट में से पास होती है तो उसमें एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का ऐड हो जाता है, तो इस वजह से हमारे पास में माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो पार्ट डिफरेंस जनरेट होता है दैट इज 2d cos थीटा प्लस लैम्डा बाय 2। क्योंकि अब हम लोग जानते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन होती है या जिसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में मैक्सिमा कहते हैं, तो मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन होती है पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो जब इस चीज को सोल्व करेंगे तो 2d cos थीटा शुड बी 2d cos थीटा प्लस लैम्डा बाय 2 शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। नाउ इसको सोल्व करने पर हमारे पास में माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन मिल जाती है, और इसी तरह से मिनिमा के लिए आप लोग कंडीशन जानते हैं या डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन कि पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। इसको भी सोल्व करने पर हमारे पास में इक्वेशन आएगी या कंडीशन आएगी डार्क फ्रिंजेस की। माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज करके वेवलेंथ को डिटरमाइन करना जो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन हमारे पास में होती है अभी हमने देखा था इसमें 2d cos थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, 2d cos थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेंटर पर डार्क फ्रिंज बनेगी, तो सेंट्रल फ्रिंज के लिए हमारे पास में थीटा इक्वल्स टू होगा 0 डिग्री, क्योंकि यहां पर हमारे पास में एंगल बिल्कुल 0 डिग्री पर बनेगा। ओके, तो थीटा इक्वल्स टू 0 रखने पर cos 0 1, ये वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे cos 0 1, तो इससे हमारे पास में वैल्यू मिलेगी 2d इक्वल्स टू n लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 2d बाय n। इन्हीं सब को यूज करके हम लोग एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पता कर सकते हैं कि दो वेवलेंथ अगर किसी भी सोर्स के अंदर दो ऐसी वेवलेंथ अवेलेबल हो जिनके बीच का डिफरेंस बहुत कम हो तो इन वेवलेंथ के बीच में डिफरेंस भी या उनका रेजोल्यूशन भी माइकलसन इंटरफेरोमीटर के थ्रू किया जा सकता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग दो ऐसे सोर्स लेते हैं जिनकी वेवलेंथ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हो, जैसे यहां पर आपको कलर्स में डिफरेंस बहुत कम नजर आ रहा है, तो इन दोनों के वेवलेंथ में फर्क मतलब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में डिफरेंस माइकलसन इंटरफेरोमीटर बिल्कुल इजीली बता सकता है। आप लोगों को डायग्राम बिल्कुल क्लियरली समझ में आए इसलिए लैम्डा 2 जो वेवलेंथ आपको दिखाई दे रही है इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूं। तो इस तरह से हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है कि ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का डिफरेंस कितना होगा। इसके लिए हमारे पास में फ्रिंजेस कुछ इस तरह से नजर आएगी। लैम्डा 1 के लिए फ्रिंजेस उसी माइकलसन इंटरफेरोमीटर से देखे तो कुछ ये नजर आएगी और लैम्डा 2 के लिए फ्रिंजेस कुछ इस तरह से नजर आएगी। अब यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर फ्रिंज के बीच में डिफरेंस कम होते होते बहुत ज्यादा कम हो जाता है और फ्रिंजेस की पोजीशन चेंज हो जाती है। नाउ जैसा हम लोग जानते हैं कंडीशन फॉर डार्क रिंग लैम्डा 1 के लिए अगर वही कंडीशन अप्लाई की जाए तो इक्वेशन बनेगी 2d cos थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा 1
और अगर दूसरी कलर की वेवलेंथ के लिए पता किया जाए तो उसकी एन प्लस वन वी फ्रिंज, मतलब एक फ्रिंज आगे वाली नेक्स्ट वाली हमारे पास में, उसके लिए वेवलेंथ के साथ में डार्क फ्रिंज का कंडीशन बनेगी, दैट इज 2d cos थीटा इक्वल्स टू एन प्लस वन लैम्डा 2। अब हमें क्या करना होगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक स्क्रू होता है जिसके थ्रू हम लोग उसकी माइक्रोमीटर की रीडिंग लेते हैं। वहां पर जैसे जैसे उस स्क्रू को मूव करते हैं हमारे पास में फ्रिंजेस भी सेंटर से बाहर की तरफ जाने लगती है। तो अगर सेंटर से अगर फ्रिंजेस बाहर की तरफ निकलती हुई इस तरह से कुछ नजर आए, तो अगर हम लोग स्क्रू को लैम्डा बाई 2 डिफरेंस से मूव करते हैं, मतलब लैम्डा बाई 2 वेवलेंथ के आधे से हम लोग स्क्रू को आगे घुमाए, तो कितनी डिस्टेंस हमारे पास ट्रेवल हुई, लैम्डा बाई 2, और कितनी फ्रिंजेस बाहर निकली वो हम लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर के टेलीस्कोप में देखकर पता कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको काउंट करनी होगी। सपोज अगर वहां पर हमारे पास एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करवाने पर लैम्डा 1 वाली वेवलेंथ के लिए एन फ्रिंजेस बाहर निकल रही है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा 1 बाय 2। तो यहां से एन की वैल्यू मैंने डिटरमाइन कर ली है, दैट इज एन इक्वल्स टू 2x बाय लैम्डा 1। इसी तरह से लैम्डा 2 वाली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बनेगा, दैट इज एक्स इक्वल्स टू एन प्लस 1 लैम्डा 2 बाय 2। यहां से भी हम लोग एन प्लस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज एन प्लस 1 इक्वल्स टू 2x बाय लैम्डा 2। नाउ मैं इन दोनों इक्वेशंस n और n प्लस 1 को यूज करूंगा, n प्लस 1 और n को माइनस करेंगे कुछ इस तरीके से। ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहां पुट करेंगे तो इक्वेशंस हमारे पास में तैयार होगी कुछ इस टाइप से। यहां से n कैंसिल और यहां पर 2x कॉमन। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर इक्वेशन बनेगी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 लैम्डा 2। नाउ आवर टास्क इज, हमारा जो काम है दैट इज लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का डिफरेंस पता करना, जो कि यहां पर आपको नजर आ रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का अगर एवरेज निकाला जाए तो अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के बीच की जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग कुछ इस तरह से नोट कर सकते हैं कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा वो लैम्डा एवरेज स्क्वायर, जिसको मैं इस तरह से आपको शो कर रहा हूं। लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू इनके एवरेज के स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि हम इस तरह से दिखा सकते हैं यहां। तो इस तरह से हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल्स टू लैम्डा एवरेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। तो इसी के साथ हमारे पास में इंटरफेरेंस फिनोमिना वेव ऑप्टिक्स में ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो बुक में हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेक्शन पैटर्न के बारे में।